हे गाइस, कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। फिर से आपके बीच में एक नया वीडियो लेकर के आज हम जो शुरुआत करेंगे वो हम ट्रबल शूटिंग से। हमारी जो स्टार्टिंग होगी वो होगी हमारी ट्रबल शूटिंग से। बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है ट्रबल शूटिंग का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो ट्रबल शूटिंग पे जाने से पहले आज हम इसमें ये देखेंगे अभी तक आपने क्या किया। अभी तक आपने ग्रुप निकाले, ग्रुप से आपने वैलिड आईपी, फर्स्ट वैलिड, सेकंड, लास्ट वैलिड ब्रॉडकास्ट आईपी निकाले आपने। मतलब आपको मैंने ए बी सी क्लास में पहले डिफरेंस, फिर उसके बाद ग्रुप, फर्स्ट वैलिड, सेकंड वैलिड, लास्ट वैलिड और ब्रॉडकास्ट आईपी निकालना बताया, मतलब ग्रुप से। अब जब आप इंटरव्यू में बैठते हो, इंटरव्यू में क्या होता है, आपको यहां पर ये वैलिड आईपी दिया हुआ है। ये वैलिड आईपी है, मींस ये किसका है, ये इस ग्रुप का आईपी है। बट हमने तो अभी ग्रुप, हम अभी तक क्या कर रहे थे, ग्रुप से वैलिड आईपी निकाल रहे थे। बट अब क्या हुआ, इंटरव्यू में आपको ये आईपी दिया हुआ है और /24 लिखा होगा ऐसे, और ये क्या है आपका वैलिड आईपी, ये आपका जो है वो वैलिड आईपी है, ठीक है। इसका सबनेट मास्क 255/24 का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये वैलिड आईपी है और ये सबनेट मास्क है। अब आपने सेम ऐसे करना, बहुत आसान, मतलब वैलिड आईपी से आपने ग्रुप निकालना और इंटरव्यू में पूछा होगा, ये दिया होगा और यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, वो क्वेश्चन पूछा होगा फाइंड द ग्रुप, मतलब वैलिड आईपी दिया होगा और वैलिड आईपी का आपने ग्रुप निकालना है, ओके। तो क्या करोगे आप, सेम वही आईपी का जैसे आपने आईपी के लिए किया था, क्या फर्स्ट सबनेट मास्क, सबनेट मास्क के चौथे नंबर पे, चौथा नंबर क्या 0, तो उसकी नियरेस्ट वैल्यू पे जाओगे, ये 0 नहीं है तो सर्किल किस पे, तीसरे नंबर पे। क्या करना है आपने, 256 में से आपने 256 में से 255 को माइनस कर दोगे, 1 का डिफरेंस है, ओके हो गया, ये डिफरेंस आ गया आपका। अब किस पे फोकस करना है आपने, आईपी पे, ओके आईपी पे फोकस करोगे तो क्या हुआ 192, सर्किल के जो लेफ्ट में होते हैं उसको एज इट इज वैसा ही लिख देते हैं 192 डॉट 0, सर्किल के अंदर और राइट में जो भी है उसको क्या बना देते हैं 0, अंदर और राइट में जो भी है 0 बना दे, ठीक है। ये आ गया, इसको क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट ग्रुप। अब आपका डिफरेंस कितने का, 1 का, किस नंबर पे, तीसरे नंबर पे सर्किल लगा होता है, तीसरे पे, तो तीसरे पे ही हमने डिफरेंस ऐड कर देना। डिफरेंस हमेशा वहां ऐड करते जहां पे सर्किल लगा होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया 192.0.1.0, ये हो गया मेरा सेकंड ग्रुप, फिर 2.0 ऐसे ऐड करके 2.0, ये हो गया हमारा थर्ड ग्रुप। बट हमें अब आगे नहीं जाना, क्यों, हमें तो ये देखना है कि इसका ग्रुप क्या होगा। यहां पर तो अभी मैंने लिखा हुआ है लेकिन आपको इंटरव्यू में सिर्फ यही दिया होगा, बीच वाला पोर्शन, तो आपने क्या करना, सेम ऐसे ही करना है, ओके। अब आपको आगे नहीं जाना, क्यों, आपने देखना 192.0 तीसरे नंबर पे जहां पे ये लगा हुआ है सर्किल आपका किस पे था, तीसरे, आपने तीसरे पे देखना है, ओके ये 0 है। बट इसके बाद तीसरे, जो तीसरा नंबर है वो 1 आ गया, इसका मतलब हम आगे बढ़ गए, हमें तो पीछे ही रहना है क्योंकि ये 0 है, ये वाला, हमें आगे नहीं जाना। तो हम अब आगे पे कंसीडर नहीं करेंगे, इन पे कंसीडर नहीं करेंगे, हम इसी में रहेंगे। अब आप यहां पर देखोगे इसके वैलिड आईपी आप निकालोगे 192.0.0.1 मीटर, चौथे नंबर से 0.2 यानी रेंज जो है 3, ऐसे करते करते यहां पर 0.100 भी आएगा एक टाइम पे, और ऐसे ही 0.254,
एंड 0.255 ये आ गया। तो 0. आपका जो आईपी था ये वाला यहाँ पे आ गया। ये किस ग्रुप का है? ये इस ग्रुप का। तो आप क्या लिखोगे? आपके पास मैंने तो यहाँ देखो पूरा चार्ट बनाया हुआ है इसलिए समझाने के लिए कि आपको वैलिड और ये ग्रुप है तो आपने ये निकालना है। इंटरव्यू में ये नहीं दिया होगा आपको, सिर्फ यही दिया होगा। तो आपने सिर्फ ये इस वैलिड आईपी से आप ग्रुप ये निकाल। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि ये किस ग्रुप में आ रहा है? जी इस ग्रुप में। तो आप लिखोगे इस वैलिड आईपी का, यानी जो ये वैलिड आईपी है ये वाला, इसका जो ग्रुप है 192.0.0.0/24 That's it। और आप का आंसर बिल्कुल सही हो गया। तो ऐसे ही आपने क्या करना है, हर किसी के लिए करना है। बस सेम आपने जैसे आईपी निकालते हो वैसे ही वैलिड आईपी से ग्रुप का भी निकालो। तो एक दो और देखते हैं। सपोज यहां पर देखो मैं इस आपको ये दिया हुआ है वैलिड आईपी, आपको इंटरव्यू में दिया होगा /24 दिया होगा। ये आपको इंटरव्यू में दिया होगा 192, ये आप दिया होगा, आपने ये ग्रुप निकालना है। तो ये तो मैंने आपको चार्ट से समझाया है, बस आपको इंटरव्यू में ये दिया होगा। तो आपने क्या करना है, इस आईपी को लिखोगे .200, फिर सबनेट मास्क। बिना सबनेट मास्क नहीं निकाल सकते, तो आपको इंटरव्यू में सबनेट मास्क दिया होगा। फोकस ऑन सबनेट मास्क चौथे नंबर पे, 0 है सर्किल यहाँ पे लगेगा यानी तीसरे नंबर पे, ठीक है। माइनस करो, किसको माइनस करना? सबनेट मास्क को। किसमें से? 256 में से। कितना आया आपका? 1, एक का डिफरेंस, ठीक है। आगे सर्किल, अब आईपी पे फोकस करना है क्योंकि सबनेट मास्क का काम खत्म हो गया। सर्किल के लेफ्ट में जो है एज इट इज वैसा ही लिख दो, सर्किल के लेफ्ट में, राइट में और सर्किल के अंदर जो भी है 0। ये तो पहला ग्रुप निकला। डिफरेंस सर्किल किस नंबर पे है, कीप इन माइंड, यहां देखना मैंने इधर लिखा हुआ है। तो यहां पर देखो सर्किल तीसरे नंबर पे है, तो डिफरेंस भी जो 1 का डिफरेंस है वो इसी में ऐड होगा। तो 1.0 ध्यान रखना, आपने यहाँ पे भी देना है कि ये कहाँ पे जाना हमने। 1.0, 2.0, 1 ऐड करते जाएंगे, एक टाइम ऐसे आएगा 255.0, 1 ऐड करते जाएंगे, ठीक है। ये अब आपको लग जाएगा कि ये 255 यहाँ पे आ गया पक्का। ये जो आईपी है ये वाला आईपी ये, ठीक है, ये इस ग्रुप का है, ना तो इसका हो सकता है ना इसका इसका। अगर आप यहाँ पे आईपी निकालना चाह रहे हो तो 255.1, 255.2 ऐसे करके यहाँ पे एक टाइम ऐसा आएगा 200 इस तरीके से। ये तो इस ग्रुप का हुआ ना ये, तो आपने क्या लिखना है कि इस वैलिड आईपी का जो ग्रुप है वो क्या है, 192.0.255.0, बस आपने ये लिख दिया। सपोज आपके पास 128 है, अब यहाँ पर कोई आपको ये दे देता है कि सपोज इधर आपका 80 आईपी है बीच में, ठीक है, 192 आपको दिया है, 192.168.0.80/25 दिया हुआ है, 25 मतलब 128। तो आप क्या करोगे, 25 बार 1 लिखना, आपने आईपी चेक कर लेना 255, ठीक है। क्लास सी में 3 बार 255 तो आता ही आता है, 255.128 चौथे नंबर पे 120, ये सबनेट मास्क आ गया आपका। अब चौथा नंबर आपका 0 नहीं है, चौथा नंबर आपका क्या नहीं है, 0 नहीं है। तो ये वैलिड आईपी, ये सबनेट मास्क, ओके। अब आपने क्या करना है, सर्किल सबनेट मास्क पे फोकस करना है,
चौथा नंबर अब जीरो नहीं है तो सर्कल चौथे नंबर पे लगेगा। अब इधर क्या करना है, 256 में से आपने 128 को माइनस कर देना है, कितने का डिफरेंस आया, 128 का। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सर्कल के लेफ्ट में जितना है एज इट इज वैसा ही लिख दोगे, 192.168.0, ये लेफ्ट में वैसे लिख दोगे। सर्कल के राइट में, राइट में तो कुछ है नहीं है लेकिन अंदर, तो सर्कल के अंदर जीरो बन जाता है, फर्स्ट वैलिड आईपी। आपने 80 का निकालना है, कीप इन माइंड ये वैलिड आईपी है, इसका आईपी निकालना आपने वैलिड आईपी, ओ सॉरी इस वैलिड आईपी का ग्रुप निकालना है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ग्रुप ये रहा, देन डिफरेंस कितने का है, 128 का, किस नंबर पे सर्किल लगा था, चौथे पे, तो आप डिफरेंस को चौथे नंबर पे ऐड करोगे। ठीक है, तो कितना हुआ, 192.168.0.128, जीरो में 128 ऐड करोगे, और 128 में 128 ऐड करोगे तो 256 होता है, जो हम यूज नहीं करते। ठीक है, अब आप यहाँ पे सिंपल आपने देखना है कि 80 किस में आएगा, 80 इस वाले में आएगा या इस वाले में आएगा, नेचुरल बात है कि इस वाले में आएगा 80, क्योंकि 1, 2, 3 ऐसे करके 80 इसमें आएगा। तो 80 किस ग्रुप से आ रहा है यहाँ पे, बस सिर्फ आपने ये लिख देना है कि इस वैलिड आईपी का जो ग्रुप है, ठीक है, वो 0.0/ इसका, तो इस वैलिड आईपी का ग्रुप ये रहा, यहाँ पे निकाल के भी रखा मैंने, बट ये तो मैंने पहले निकाला था पूरा एक चार्ट से, अब वैलिड आईपी से हम यहाँ पर जो जिसका निकालना हमने वो ये था, इसका इसका निकालना था हमने, इसका ग्रुप ये निकल गया, दैट्स इट। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस करनी है आपको। तो वैलिड आईपी से आपने क्या निकालने, ग्रुप निकालने, हर किसी का आपने ऐसा ही करना है, बस निकालोगे कहाँ पर क्या करना है। अब सपोज क्या है कि सब जितना छोटा सबनेट मास्क होता है उतना आसान होता है, मतलब 128 सबनेट मास्क चौथे नंबर पे, 192 और 224, इनका निकालना आसान होता है, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ दो ग्रुप बनते हैं, 128 में दो ग्रुप बनते हैं, पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप, तो पता लग जाता है कि इसमें आ रहा है या इसमें, तो 128 का जब चौथे नंबर पे सबनेट मास्क होता कोई दिक्कत नहीं होती। 192 में चार ग्रुप बनते हैं, आपको पता है चार ग्रुप बनेंगे, 0, 64, क्योंकि डिफरेंट 256 में से 192 माइनस करोगे 64 का डिफरेंस है, 0, 64, 128 और 192, चार ग्रुप में, चार ग्रुप में से आपको पता लग जाता है कि किस ग्रुप का आईपी है, तो 192 में भी दिक्कत नहीं होती। 224 में आठ ग्रुप बनते हैं, इसमें चार इसमें आठ, आठ ग्रुप तक दिक्कत नहीं होती, पता लग जाता फट से। जैसे अभी आपको एक चीज और बता देता हूं, यहां मैं अभी 192 का करता हूं, सपोज यहां पर मैं इसी का निकाल देता हूं 62 का, और सबनेट मास्क आपको दिया है 26 और वैलिड आईपी दिया हुआ आपको, आपको ये वैलिड आईपी दिया हुआ है 192.168.0.62/26, मतलब 3 × 255, 24 तो ये हो गए, और दो वन किस में आते हैं, 192 में सबनेट मास्क। ओके, अब चौथा नंबर जीरो नहीं है, सर्किल यहाँ पे लगेगा, 256 में से माइनस कर दो 192 सबनेट मास्क, 64 का डिफरेंस। ठीक है, फोकस आईपी पे, सर्किल के अंदर, सर्किल के लेफ्ट में वैसे लिख देना, अंदर जो होगा जीरो हो गया ये। ओके, डिफरेंस कितने का है, 64 का, चौथे में ऐड कर देंगे, तो 64 में 64 ऐड करेंगे, 128 192। अब आपने देखना है कि मेरे को क्या दिया है, 62 ये वैलिड आईपी है, इसका ग्रुप निकालना मुझे, तो आप देख लो, खुद आपको दिख जाएगा कि मुझे किस ग्रुप में आ रहा 62 किस में आएगा, इस वाले में आएगा,
64 से तो आगे 65 होगा, तो इसका मतलब 62 यहाँ पे आएगा, तो किस ग्रुप का हुआ यहाँ पे। तो आंख बंद करके आपने इसका ये लिख देना है कि इसका जो ग्रुप होगा 192.168.0.0 का ग्रुप /26 है, सिंपल, ठीक है। तो 224 का भी निकालना आसान होता है क्योंकि 8 ग्रुप होते हैं उसमें, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती। प्रॉब्लम कहाँ आती है, 240, 240, 248, इनमें प्रॉब्लम आती है। तो सपोज जैसे आपको बताता हूँ मैं, इधर मेरे पास यहाँ पर सपोज आपको दिया है 200.100.1.189 दिया हुआ है, ये वाला सबनेट मास्क दिया आपको 255.255.255 और आपको दिया यहाँ पे 248 दिया हुआ है। अब इसमें आप ग्रुप निकालोगे तो बहुत ज़्यादा ग्रुप निकलेंगे, 248 का मतलब 29। अब आता है कि हम इतना ग्रुप 248 में पता कितने ग्रुप होते हैं, 32 ग्रुप कौन निकालेगा, 32 ग्रुप में ढूंढने में प्रॉब्लम होगी, यहाँ तक जाने में प्रॉब्लम होगी। आपने क्या करना, पहले फोकस ऑन सबनेट मास्क, ओके, फोकस चौथे नंबर पे, डन। तो जीरो नहीं है, सर्किल यहाँ पे लगेगा। क्या करना आपने, 256 में से 256 में से आपने 248 को माइनस कर देना, कितने का डिफरेंस, 8 का। अब ये तो वैलिड आईपी है आपका, इस वैलिड आईपी का आपने क्या निकालना ग्रुप। तो अब आता है कि अगर आप ग्रुप निकालते हो, देखो यहाँ पे डिफरेंस निकल गया, ये डिफरेंस निकल गया, सर्किल के लेफ्ट में जो है ये तो आपने ऐसे ही लिख दिया, सर्किल के अंदर जीरो, ये फर्स्ट ग्रुप, फिर 8 का चौथे नंबर पे है, ध्यान रखना, तो डिफरेंस चौथे नंबर पे ऐड होगा 8, फिर 8.0 में 8 करेंगे, फिर 8.16, फिर 24.24, 8.8 ऐड करेंगे। भैया यहाँ तक जाने में आपको बहुत टाइम लगेगा, यहाँ तक जाने में कितना करोगे, आपका इंटरव्यू में बैठे हुए आप, तो आपको अपना टाइम बचाना है, तो आप यहाँ पर जाते जाते क्योंकि 24 करोगे, फिर 32 करोगे, फिर 40 करोगे, आपने इसकी नियरेस्ट तक जाना क्योंकि वैलिड आईपी है, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। आपने करना क्या, देखो आपको सिंपल बताता हूँ मैं, आपका जो डिफरेंस है ना ये 8, इस 8 से आपने इस आईपी को डिवाइड कर देना है, सबनेट मास्क को नहीं, आईपी को, क्योंकि आपने इसके नियरेस्ट जाना है। बस ऐसे में जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसके नियरेस्ट कैसे जाओगे, यहाँ पर 189.8 को, यानी डिफरेंस से आईपी को डिवाइड करना, सबनेट मास्क को नहीं, ये कर दिया, बस आपने इसके नियरेस्ट जाना, ओके। तो ये पूरी 8 की टेबल है ये, अगर आप देखोगे 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, ऐसे करके ये टेबल, तो ऐसे ही आपने इसके पास जाना, ठीक है। तो आपने अपने जो डिफरेंस आया इसको डिवाइड कर लो, ठीक है, 8 2 16, 2 आ गया 9। अब आपको पता है 8 की टेबल 29 में नहीं जाती, बट अगर यहां पर 4 होता है ना, तो 8 3 24, मुझे डिवाइड नहीं करना, मैं पहुंच गया कहां, मतलब 189 से तो डिवाइड नहीं होगा, पर मुझे तो इसके आसपास जाना था, 184 पक्का 8 के ग्रुप में आता है, 184 मुझे इसके आसपास जाना था, इस नंबर के आसपास चला गया मैं 184, मतलब 184 एक टाइम ऐसा आएगा, जैसे आप ये ऐड कर रहे हो 184, 88 ऐड करके 184 भी आ जाएगा, मैं पहुंच गया इसके नियरेस्ट। तो 184 में अगर आप 8 ऐड करोगे तो 192 होता है, और ये आईपी क्या है 189, इसका मतलब
ये पीछे वाले ग्रुप का होगा या आगे वाले ग्रुप का। आगे वाले ग्रुप में तो 192, 193 आएंगे, इसका मतलब ये आईपी पीछे ग्रुप का होगा। मैं आंख बंद करके क्या लिखना, मैंने 200 किस वैलिड आईपी का जो आई ग्रुप है, ठीक है, 1.184 स्लैश जो सबनेट मास्क था वो जरूर लिखना 29। ये हो गया, आपको वहां पे वो बोलेगा कि इस वैलिड का यानी इस वैलिड आईपी का आपका ये ग्रुप निकल गया। बस आपने डिवाइड कर देना। अब पता क्या होता है, जितना बड़ा सबनेट मास्क होता है डिवाइड करने में आसानी होती है। अब 248 8 का डिफरेंस करने में 8 की टेबल सबको आती है। तो ऐसे ही आपने क्या करना है, बहुत सारे निकाल, जैसे मैं अभी एक और का निकाल देते, ये निकाल दिया। अब देखो सपोज यहाँ पर इधर किसी भी क्लास के लिए, सपोज यहाँ पर है 237, ये 237। अब सबनेट मास्क हमारा यही है, ठीक है, तो ये तो पहला ग्रुप निकल गया 8 का। अब मुझे इसका ग्रुप देखना क्या है, 8 से डिवाइड कर दो, डिफरेंस कितने का था 8 का, 237 को माइन उसको कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है, दो 8 टू जा 16 30 यानी 7 आ गया। अब 8 की टेबल 77 में जाती है, देख लो 77 में तो नहीं जाती, तो कितने में जाती है, ऐसे 89 जा 72 होता है, यानी 89 जा 72, ठीक है 72 मैं पहुंच गया आसान। मतलब अगर ये 7 नहीं होता यहाँ पर, यानी 2 होता तो मैं 232 पहुंच गया ना, 237 के करीब पहुंच गया। मुझे तो इसके आसपास जाना है कि 8 का जो ग्रुप है वो इसके आसपास कौन सा है, 237 के आसपास 8 का ग्रुप क्या, 232 का तुरंत लिख दूंगा मैं, क्योंकि 232 में मैं 8 ऐड करूंगा तो 240 होता है, 240 से पीछे है ये 237, तो मैं इसका क्या हो जाएगा, इसका ग्रुप क्या निकल जाएगा मेरा, इसका ग्रुप निकल जाएगा मेरा 200.100.1.232/29, इसका ग्रुप निकल गया, वैलिड आईपी का ग्रुप निकल गया। ओके, तो ऐसे ही आपने क्या करना, वैलिड आईपी से ग्रुप निकालना है। तो चलो मैं आपको एक और बता देता हूं, ऐसी क्लास बी का भी करना है आपने, किसी का भी निकाल सकते हो, बस आपने डिवाइड करना है, जितना बड़ा होगा उतना डिवाइड करने में आसान, और जितना छोटा सबनेट मास्क होता है उसमें ग्रुप पता होते हैं, जैसे 128, 192, 224, बहुत आसान होता है निकालना क्योंकि इसमें ग्रुप कम होते हैं। तो फट से देखा कि 128 का दो ग्रुप, पहला का पहले का नहीं होगा तो दूसरे का होगा, 192 में चार ग्रुप, फट से 0, 64, 128, 199, चारों में से एक होगा, देख लो किस ग्रुप में आ रहा है। 32 में 8 ग्रुप है, 8 भी ज़्यादा नहीं होते, देख लो किस ग्रुप में आ रहा है, लिख लो। बस 240 में होता है कि 16 की टेबल याद होनी चाहिए, नहीं तो 16 से डिवाइड कर दो, ठीक है। और 248 भी आसान है, जितना बड़ा सबनेट मास्क डिवाइड करने में आसानी होती है। जब सपोज जैसे यहाँ पर देखो 172, सपोज यहाँ पर है 16.243 और सपोज यहाँ पे है सबनेट मास्क है, क्लास बी है, तो दो बार 255 आएगा ही आएगा, यहाँ पर मैंने दे दिया 252, ये दे दिया, ठीक है। अभी आपको ये बोला गया कि ये वैलिड आईपी है, ये वैलिड आईपी है, इसका इसका आप ग्रुप निकालो, देन कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने क्या करना है, पहले फोकस करोगे सबनेट मास्क पे, ठीक है, किस पे करना है आपने, ये तो जीरो है चौथा नंबर, तीसरे नंबर पे करो, यानी सर्किल तीसरे नंबर पे लगाओ। क्या करना है, 256 में से 252 माइनस कर देना, कितना आया 4, 4 का डिफरेंस। अब सर्किल के लेफ्ट में जो है 16 डॉट, सर्किल के अंदर और राइट में जो भी है जीरो बना देना, आपको बता ही रखा है। अब 4 का डिफरेंस है, किस नंबर पे, चौथे नंबर पे ऐड करना है,
तो 4.0, फिर 8.0। यहाँ तक जाने में आपको बहुत टाइम लगेगा, 243 तक जाने में, चार चार ऐड करते जाओगे, फिर चार ऐड करोगे 12 होगा, फिर 16 होगा, बहुत मुश्किल है यहाँ तक जाने में। मतलब निकाल सकते हो पर बहुत ज़्यादा, इंटरव्यू में तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट। तो आप क्या करोगे, कैसे निकालोगे जल्दी से, जो डिफरेंस है, डिफरेंस से आईपी को, सबनेट मास्क को नहीं, आईपी को डिवाइड कर दो, क्योंकि आप इसके नियरेस्ट जाओ। तो चार से आप 243 को डिवाइड कर दो, ठीक है, आईपी को। तो 4 6 24। अब ये 3 है, तो 4 की टेबल तो 3 में जाती नहीं है, तो एक काम करो, ये 4 होता तो बेटर था, ये ठीक है, ये 4 करते थे, यहाँ पर तो 4 1 4। इसका मतलब मैं 243 के आसपास चला गया, क्यों, 244 में 4 की टेबल चली गई, 4 की टेबल चली गई, मतलब जिसमें टेबल चली गई जो डिफरेंस की, वो पक्का उसका ग्रुप है। तो 244 जो है वो 4 का ग्रुप है, ठीक है। तो ये तो 243 है, तो 244 तक तो मैं पहुंच गया, यहाँ पर 172.16.244.0। तो अब मेरे को ये तो 243 है, तो 4 माइनस कर लो, कम कर लो 4, 244 से पहले क्या होगा, 240 का ग्रुप, ये 244 का है, तो इससे पहले का ग्रुप क्या रहा होगा, 244 में से 4 माइनस कर दो 240, ये ठीक है। तो ये तो 200 वाले, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, मुझे क्या लग जाएगा यहाँ पर, मुझे क्या लग जाएगा यहाँ पर, क्या दिखेगा मेरे को, कि ये जो वैलिड आईपी है ये वाला, इसका ग्रुप ये रहा, इसका वैलिड ये, मतलब इस वैलिड आईपी का ग्रुप ये, तो ये वैलिड आईपी इस ग्रुप से बिलोंग करता है, दैट्स इट, बस आपने यही करना। तो जितना बड़ा सबनेट मास्क टेबल आसानी, बस आपने क्या करना है, डिफरेंस से आईपी को डिवाइड कर देना और उसके उसमें चले जाना है, कीप इन माइंड, ध्यान रखना। तो ये था हमारा क्या, वैलिड आईपी से ग्रुप निकालना। तो नाउ अब मैं आपको जो अभी तक हमने पढ़ा है, जो अभी तक किया है, अब आप रेडी हो जाओ, और अब आपने देखना है कि फ्रेंड्स अभी तक हमने क्या पढ़ा, ये आपके लिए टेस्ट, और देखता हूँ कि कितने लोग करते हैं इसे, ठीक है। और देखो आप कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करोगे तो आप पीछे से वीडियो देखना, क्लिप में बहुत हेल्प मिलेगी, इंटरव्यू में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सो देखो आप, ये आपके पास क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6, आप क्वेश्चन देखना, हर क्वेश्चन को समझो कि ये क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। कितने आपने वीडियो देखा, मैंने ये सब चीजें अपने वीडियो में कवर किया हुआ है, ये देखो इसमें आपको क्या दिया, ये आईपी दिया हुआ है, कितने नेटवर्क बिट्स, एनबी का मतलब नेटवर्क बिट्स, एचबी यानी होस्ट बिट्स, और एसबी मतलब सबनेट बिट्स, तो हाउ मेनी बिट्स, तो आपने बताने हैं, आपको दिया है, प्रीफिक्स दे रखा है, ये सारे क्वेश्चन है आपके, आपने इनके आंसर निकालने हैं, और अगर आपने ये कर लिया फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर ये आपके पास में, फिर इसमें भी वही, कितने नेटवर्क बिट्स हैं, होस्ट बिट्स हैं, सबनेट बिट्स हैं, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आपने करना है इनको, आप मुझे बताओगे, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें हैं, कमेंट्स में दोगे आप, ताकि आपकी, मैं ये क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपकी प्रिपरेशन सॉलिड हो जाए, आप जल्दी से जल्दी बहुत कम टाइम में आप आंसर दे पाओ, ठीक है, बस आपने ये देखना है। तो ये अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ़ यू वांट टू ओपन 2 ब्रांचेस, अगर आप 2 ऑफिस खोलना चाहते हो और पर ब्रांच में 100 बंदे बैठेंगे,
मतलब दो ऑफिस में 100-100 बंदे बैठेंगे यानी 100, कौन सा सबनेट मास्क का यूज करो। बहुत दिखाया भी था आपको, आप ये देखोगे कि ये सबनेट मास्क है और ओ आईपी है, ये आईपी है, कौन सा सबनेट मास्क यूज करोगे कि दो ब्रांच क्रिएट होंगी और हर ब्रांच में 100 बंदे बैठेंगे। अगला क्वेश्चन वही है, चार ब्रांच खोलना चाह रहा हूँ, पर ब्रांच में 50 बंदे यानी 50 बंदे बैठेंगे, कौन सा सबनेट मास्क यूज़ करूँगा, आईपी मैंने आपको दिया हुआ है। फिर नीचे भी है कि मैं 16 ब्रांच यानी एक कंपनी है 16 ऑफिस खोलना चाह रही है, पर ऑफिस के अंदर 16 बंदे बैठेंगे, कौन सा सबनेट मास्क यूज़ करेंगे। इसमें हमारे एक ब्रांच ओपन करना चाह रहा हूँ, एक ब्रांच में 200 बंदे बिठाना चाह रहा हूँ, कौन सा सबनेट मास्क यूज़ करूँगा, आईपी मैंने दिया हुआ है। इसमें आपके पास में कि मैं दो ब्रांच ओपन करने जा रहा हूँ, इसमें 25,000 एक ब्रांच में बिठाने जा रहा हूँ, एक ब्रांच में 25,000 यानी 25,000, कौन सा सबनेट मास्क यूज़ करूँ, ठीक है, आईपी दिया हुआ है। इसमें मैं 1,000,000 एक ब्रांच में, कितने, चार ब्रांच खोलने जा रहा हूँ और पर ब्रांच में 1,000,000 बंदे, कौन सा सबनेट मास्क मैं यूज़ करूँगा, क्लास ए का है, तो आपने ये करके दिखाना है मुझे। फिर आपके पास जो अभी मैंने आपको बताया इससे पहले कि आपके पास वैलिड आईपी है, आपने ग्रुप निकाला है, जब आप ग्रुप निकाल लोगे तो आपके लिए थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा काम और बढ़ा दिया, क्या, जब आपका ग्रुप निकल जाएगा फिर उसके बाद आपने उसमें से वैलिड सेकंड लास्ट वैलिड ब्रॉडकास्ट आईपी भी निकालना है। सेम ऐसा ही क्लास ए का दे रखा, बी का दे रखा, सी का दे रखा है, तो क्या अभी मैंने आपको जो पीछे बताया क्या कि वैलिड आईपी दिया उसका ग्रुप निकाला, तो जब ग्रुप निकल जाता है तो उसमें क्या होगा, आपने फर्स्ट वैलिड सेकंड वैलिड लास्ट वैलिड और ब्रॉडकास्ट आईपी निकाल के देना है। तो ये आपके लिए मैंने क्या दिया है, देखो ये इतने सारे क्वेश्चंस हैं, आप पढ़ो इनको, देखो और बैठ जाओ, ठीक है, तो आपको दिख जाएगा। तो ये क्या है हमारे पास, फिर आप क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू में, व्हाट इज आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस क्या होता है, इंटरव्यू वाले क्वेश्चन है ये, व्हाई वी यूज आईपी एड्रेस, क्यों हम आईपी एड्रेस यूज़ करते हैं, सबनेट मास्क क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, अगर मैंने आईपी दिया सबनेट मास्क नहीं दिया तो क्या होगा, क्यों ग्रुप्स क्रिएट करते हैं हम, क्यों हम हर ब्रांच को अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग ग्रुप्स में रखते हैं अलग अलग ब्रांच को, स्विच और राउटर का क्या काम होता है आईपी के अंदर में आपको बताया मैंने, फिर आईपी वर्जन 4 क्या है, आईपी वर्जन 6 क्या है, क्यों हम आईपी वर्जन 4 को 5 क्लास में हमने डिफाइन किया हुआ है, क्यों डिफाइन किया हुआ हमने ए बी सी डी ई में, ठीक है, आपने बताना है इसको। फिर उसके बाद आप क्या है कि ग्रुप आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी क्यों नहीं देते हम, क्यों यूज नहीं करते हम ग्रुप आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी को, फिर जो हमारी रेंज है 127.0.0 इसको हम क्यों यूज नहीं करते, क्लास डी और ई को क्यों यूज नहीं करते हैं हम, और यूनिकास्ट ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट क्या होता है, तो ये आपने क्या करना है बताना है, ठीक है। ओएसआई मॉडल क्या है, आप इससे जो पहले का वीडियो था मेरा ओएसआई मॉडल का, कितने लेयर्स होते हैं, हर लेयर पे क्या क्या काम होता है, फिर रोल क्या होता है, कौन से लेयर पे किसका क्या रोल है, सेगमेंट क्या होते हैं, पैकेट फ्रेम क्या होते हैं, इनकैप्सुलेशन क्या हुआ, FCS क्या है, फ्रेम चेक सीक्वेंस, FCS क्या काम करता है, चलो मैंने ये तो बता दिया, FCS मतलब फ्रेम चेक सीक्वेंस करता क्या है, फिर फिजिकल लेयर पे आपका क्या होता है, फिर उसके बाद TCP UDP क्या होता है, क्यों TCP और UDP पोर्ट यूज़ करते हैं और क्यों पोर्ट नंबर यूज़ करते हैं, आपको वीडियो में बताया मैंने ओएसआई मॉडल में, प्लीज़ आप सही तरीके से, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं जो भी बताऊंगा एक इंडस्ट्री के अंदर में जैसे काम होता वैसे बताऊंगा, और बिल्कुल वैसे क्वेश्चन आपसे पूछे हैं मैंने जो इंडस्ट्री में कोई भी इंटरव्यू वाला आपसे पूछेगा, ठीक है, कि क्यों TCP UDP पोर्ट और पोर्ट नंबर यूज़ करता है, आईपी क्या है, रोल क्या है आईपी का ऑर्गेनाइजेशन में, लेयर स्विच कौन से लेयर पे काम करता है, ठीक है, और राउटर किस लेयर पे काम करता है, क्यों करता है, स्विच किस लेयर पे काम करता है और करता है जिस लेयर पे भी तो क्यों करता है, क्या फंक्शंस है उसके करने के, फायरवॉल कौन से लेयर का डिवाइस है,
और जिस लेयर का भी है तो वहाँ पे क्या फंक्शन करता है, क्यों करता है, ठीक है। पीडीयू क्या हुआ, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, बताया था आपको ओएसआई मॉडल में, ठीक है। और पीडीयू का काम क्या है, क्वेश्चन इंटरव्यू में जैसे मैंने यहाँ पर पूछे वैसे ही आपसे पूछेंगे। तो होप आप लोगों को ये सब अच्छा लगेगा और जब आप देखोगे तो यस आपका टेस्ट भी हो रहा है, फिर आपको भी लगेगा कि मेरी कितनी प्रिपरेशन है। तो थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।